नमस्कार। बहुत जोरों शोरों से ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ई श्रम कार्ड जो है किन लोगों को लाभ मिलेगा, किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, इस वीडियो में आप बने रहिए, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ई श्रम कार्ड जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो कि मछली बेचने वाले, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो मनरेगा में काम करते हैं, जो रोड पे ठेला लगा के कोई सामान बेचते हैं या घूम के सामान बेचते हैं, या आ सकते हैं कि भरण पोषण भत्ता योजना के अंतर्गत जो भी मजदूर आते हैं उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। आपको बता दूं, ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको तो सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको आधार नंबर तो चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है ई श्रम कार्ड बना सकते हैं खुद से। इसके साथ साथ आपको बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए, यानी कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब चाहिए। उसके बाद आपकी एज जो है 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 59 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 16 साल से लेके 59 साल के लोग बना सकते हैं ई श्रम कार्ड। और जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो CSC सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे सुविधा दिया गया है, वहाँ पे जाके आप बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड लॉन्च हुआ था 26 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ था। ये रोजगार मंत्रालय के द्वारा ही ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे 3 करोड़ से लोग यहाँ पे अधिक रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। तो सरकार का एक टारगेट था कि 3 करोड़ लोग से अधिक ई श्रम कार्ड जब बनाएंगे तब यहाँ पे हम इस पे सुविधा लाएंगे। 31 दिसंबर से पहले जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो ई श्रम कार्ड बनाएंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 2 किस्तों में पैसा दिया जाएगा, 500-500 रुपया करके, 500-500 रुपया करके, यानी कि नवंबर दिसंबर का मिलेगा और जनवरी फरवरी का मिलेगा। और आपको दिसंबर के लास्ट में जो है जिसका बना होगा उनको 1000 रुपया आ जाएगा और जनवरी फरवरी का भी 1000 रुपया आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो ई श्रम कार्ड बना ली है, उनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है रोजगार मंत्रालय के ध्यान में रख के बनाया गया ई श्रम कार्ड, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो कि रिक्शा चलाने वाले हैं, जो मछली बेचने वाले हैं, जो मनरेगा में काम करते हैं, जो रेड़ी पे काम करके अपना भरण पोषण करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं भरण पोषण योजना के अंतर्गत जो आदमी आता है उन्हीं को ये बेनिफिट दिया जाए। मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको ये कार्ड में बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट क्या बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ का उनको दिक्कत आएगा, वो जब जॉब लेने जाएंगे गवर्नमेंट, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी बात, यहाँ पे स्कॉलरशिप लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका उम्र 16 से ऊपर है तो आप बना सकते हैं। अगर आपका उम्र 16 से लेके 59 साल के बीच में है तो आप बना सकते हैं। 16 से कम उम्र के लोग का ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा और 59 साल के ज़्यादा लोग का ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हम आपको जानकारी दिए हैं। अगर आप कहेंगे कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है, वो भी अपने मोबाइल से, जो भी आप मोबाइल यूज करते हैं उसे भी आप फ्री में ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, तो इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर ये जानकारी अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा।